स्वच्छ भारत देही हिस्सा 2 में पंचायती राज इदारे का तआवुन। स्वच्छ भारत मिशन का आगाज 2 अक्टूबर 2014 को इज्जत मआब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी के जरिए शुरू किया गया। इस मिशन का मकसद महात्मा गांधी जी की 150वीं योम पैदाइश तक हिंदुस्तान को खराज तहसीन के तौर पर पाकीजा बनाना था। इस मिशन का मकसद खुली में रफ़े हाजत के मसले को खत्म करना रहा। इस मुहिम के तहत मुआशरे के खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों को साफ महफूज और काबिल रसाई माहौल फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर ही स्वच्छ भारत मिशन देही भी शुरू हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का सबसे बड़ा रवैये की तब्दीली का प्रोग्राम बना। पंचायती नुमाइंदों की मदद से जमीनी सतह पर देही इलाकों में अवामी तहरीक पैदा करके नामुमकिन काम को मुमकिन बनाकर पूरा किया। इस प्रोग्राम से जुड़े हजारों पंचायती नुमाइंदों, मुलाजमीन और साफ सफाई करने वाले लोगों की मेहनत बिलाआखिर रंग लाई, जिसके नतीजे में देही सफाई की कवरेज जो साल 2014 में 39% थी, वही साल 2019 तक बढ़कर 100% हो गई। सभी रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में 10.18 करोड़ से ज्यादा बैतुल खुला बनाए गए। 2 अक्टूबर 2019 तक हिंदुस्तान की सभी इजला ने खुद को खुली में रफाए हाजत से पाक करार दिया। हालांकि हुकूमत हिंद का मकसद सिर्फ बैतुल खुला ही बनाना नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन की कोशिश एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करना है जो कूड़ा कड़कट और गंदगी से पाक हो। इसलिए उन देही इलाकों को खुली में रफाए हाजत से पाक गांव के जुमरे में रखा गया है, जो इस काबिल है कि खुले में रफाए हाजत से पाक हालत को मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखना और ठोस और माय फजले के इंतजाम के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करना है। यही वजह है कि स्वच्छ भारत देही मिशन 1 की कामयाबी के बाद स्वच्छ भारत देही मिशन 2 शुरू की गई। इस मिशन के तहत देही हिंदुस्तान के लोगों और बरादरियों की सलाहितों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सफाई के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें रोजगार के मौके फराहम किए जा सके। स्वच्छ भारत देही मिशन 2 के तहत पंचायत के नुमाइंदों को दर्ज ज़ेल रहनुमाई खतूत दिए गए हैं। हर प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर और आंगनवाड़ी मराकिज में बैतुल खुला दस्तियाब हो। रवैये में तब्दीली का राबता गांव में जारी हो। लोगों को सफाई के बारे में आगाह किया जाए। सफाई के लिए मालूमात, तालीम और मवासिलात के मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। अगर गांव में 100 से ज्यादा घर हैं, तो वहां एक कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स तामिर किया जाए। ठोस फजले के इंतजाम के लिए कम से कम 80% घरानों और सभी अवामी मकामात के लिए ठोस फजले का मौसर इंतजाम हो। माय फजले के इंतजाम के लिए कम से कम 80% घरानों और सभी अवामी मकामात पर मुयस्सर इंतजाम हो। गांव में प्लास्टिक कचरे को जमा करने और उसे गीले कचरे से अलग करने का निजाम हो। गांव के सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकिज, पंचायत घरों में वॉल पेंटिंग्स या इश्तहारात के जरिए सफाई के पैगामात दिखाया गया हो। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बैतुल खुले का इंतजाम हो। अवामी मकामात पर कूड़ा करकट या पानी जमा ना हो। रहनुमाई उसूल, सफाई की सहूलियत सभी नए परिवारों और अहले खानदानों तक फैलाई जाए जो पिछले मरहले में रह गए थे। ऐसे परिवारों की शनाख्त का काम हल्का पंचायत का होगा। ऐसे घरानों के लिए कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स की तख्लीक, जो जगह की तंगी की वजह से बैतुल खुला बनाने से कासिर है या जो आर्जी आबादी के तौर पर रहते हैं, उनके लिए अवामी बैतुल खुला की तामीर किया जाए।
दोस्त अरमाए फजले के इंतजाम के लिए कम्युनिटी के असासों की तखलीक को तरजीह दी जाए। ठोस अरमाए फजले के इंतजाम के काम को मनरेगा समेत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेहतर बनाया जाए। 3 RS पर अमल करें जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल शामिल है। पंचायती नुमाइंदे लोगों को कचरा उठाने, अलग करने और इंतजाम से मुताल्लिक चैलेंजों से आगाह करें। जहन में रहे कि हम सब के तआवुन से ही स्वच्छ भारत देही मिशन 2 के मकसद को हासिल कर पाएंगे और एक पाकीजा, सेहतमंद और खुशहाल हिंदुस्तान के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। आइए आज ही ये अहद करें, गांव-गांव में पाकीजा हिंदुस्तान का फूल खिलाएंगे, पाकीजा हिंदुस्तान बनाने के लिए मिलकर कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।